हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, अगर आप अपने मोबाइल से फोटोज को क्लिक करते हो तो आप तरह तरह के फोटो एडिटर को यूज करते हो अपने मोबाइल में, जिससे कि आपका फोटो एकदम ऑसम सा लगे। मगर इस वीडियो में आपको बताने वाला एक ऐसे फोटो एडिटर के बारे में जो कि उसके सामने सभी फोटो एडिटर बेकार है, जो कि फेल है। अगर ये फोटो एडिटर को यूज करोगे अपने फोटो को एडिट करने के लिए तो आई एम श्योर आपके भी फोटो किसी DSLR से कम नहीं लगेगी। और अगर आप चाहते हो अपने फ्रेंड्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने मोबाइल के फोटो से इंप्रेस करना, तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। मैं तो कहता हूँ 2 मिनट की ये वीडियो, इसे एंड तक आप जरूर देखिए, जिससे कि आपके भी बहुत ही मजा आने वाला है फोटो को एडिट करने में। आई एम श्योर आपके भी फोटो को 4 चांद लग जाने वाले। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो टेक्निकल मास्टर माइंड यूट्यूब चैनल। तो बिना वक्त ज़ाया वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है। जैसे ही लाइक कर देते हो फिर आपको हमारे चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यहाँ पे आपको एक नीचे एक कमेंट कर देना होगा, जो कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कमेंट लिख देना है, जो कि आपको लिखना है DSLR ट्रिक करके। जैसे ही आप कमेंट कर सकते हो और यहाँ पे स्पेस देकर अपना नाम लिख लीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आप भी हमारा वीडियो देखते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के वीडियोस, यहाँ पे जो कमेंट्स आते हैं उसे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, यहाँ पे लाइक करता हूँ। तो यहाँ पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे कि आपके फोटो को 4 चांद लग जाने वाले। जैसे कि सपोज आपको यहाँ पे 2 एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, जो कि वो दोनों एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि सपोज आप ऐसे फोटोज को बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मैंने फोटो बनाया, जो कि यहाँ पे मैंने सैंपल सा फोटो बनाया, तो यहाँ पे फोटो देख सकते हो जो कि बैकग्राउंड एकदम से HD लग रहा है और बहुत ही अमेजिंग सा फोटो यहाँ पे लग रहा है। तो आप कैसे ऐसे इस तरह के फोटोज को बना सकते हो, उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है, जो कि क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हो आपको बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया, देख सकते हो यहाँ पे बबल लाइट बैकग्राउंड। जैसे ही मैंने सर्च किया है तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे बबल लाइट के बैकग्राउंड मिल जाते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था, जो कि आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड किया है, फटाफट से मैंने डाउनलोड कर दिया। तो आपको एडिट करके बता दो कैसा आपका फोटो आपको लगेगा। और आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने फोटो को जो बैकग्राउंड होगा उसे डिलीट करना होगा। तो कैसे डिलीट करना होगा वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको लोड ऑफ फोटो, जो कि ये वाली एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, लोड ऑफ फोटो को क्लिक करना होगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने ये फोटो को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही डन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 5-6 टूल मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑटो, मैजिक, मैनुअल और रिपेयर। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं मैजिक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जो कि आपको मैजिक के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे फोटो का जो बैकग्राउंड होगा उसे यहाँ पे आपको डिलीट, जो कि कट कर देना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे फोटो को यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे आपको कट कर देना है, जो कि आपको ध्यान से करना है। आपको यहाँ पे 5 मिनट लगेगी, जितना आप बेटर करोगे उतना आपका यहाँ पे फोटो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जो कि यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे मैं बैकग्राउंड डिलीट कर देता हूँ। और अगर आपका कोई प्लेन बैकग्राउंड है तो आपको ऑटो सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि सपोज मैं आपको यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट करके बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ऑटो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड होगा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। मानी मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है, इसके लिए मैं यहाँ पे मैजिक सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो बड़े आसानी से यहाँ पे आप ऐसे फोटो को क्लियर कर सकते हो, जो कि आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा हार्ड है मगर बहुत ही ईजी है। आप बड़े आसानी से यहाँ पे बैकग्राउंड को हटा सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे बैकग्राउंड आपको हल्का सा, और अगर आपको लगे कि यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे बराबर यहाँ पे एडिट नहीं हुआ है तो आपको रिपेयर के ऑप्शन पे जाना है, फिर यहाँ पे यहाँ से आपको रिपेयर कर देना है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो बड़े आसानी से यहाँ पे आप बड़े आसानी से कर सकते हो। और मैजिक के ऑप्शन पे जाने के बाद वापस से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर कर देना है, जो कि जैसे ही आप क्लियर कर दोगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ फटाफट करके, हल्का हल्का अगर आपका जो अगर कुछ भी कट जाता है, जैसे कि अगर आपका फोटो में से कुछ भी यहाँ पे माइनस हो जाता है तो उसे आपको वापस भी ला सकते हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ, जो कि फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हेड के साइड पे यहाँ पे थोड़ा बाकी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इतना करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका यहाँ पे जो हेयर स्टाइल है वो यहाँ पे बिगड़ चुका है तो यहाँ पे रिपेयर के ऑप्शन पे आ जाइए। रिपेयर के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपको हेयर स्टाइल यहाँ पे कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा ईयर, जो कि यहाँ पे कान है वहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा खराब हो चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो अगर आप यहाँ पे ऐसा ऐसा करते हो यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे रिपेयर के ऑप्शन पे जाके आप बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। जैसे इतना कर देते हो, जो कि मैं आपको बता दूँ यहाँ से थोड़ा हल्का सा यहाँ पे हम काट देते हैं, जो कि इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा डॉट है, यहाँ से हमें इरेज कर देते हैं। इतना करने के बाद देख सकते हो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे प्लेन हो जाएगा। प्लेन होने के बाद आपको यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। डन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो फिर यहाँ पे देख सकते हो आप बड़ा आसानी से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो लेवल 4 लेवल 5 के हिसाब से, जो कि आपका फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही सेव के ऑप्शन क्लिक करता हूँ यहाँ पे सेव हो चुका। इतना काम कर लेना आपको पहली एप्लीकेशन की मदद से। और जो दूसरी एप्लीकेशन मैं आपको बता दूँ जो कि है पिक्सेल लैब, इसे आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद जो कि मैंने ऐसा फोटो क्रिएट किया था ये एप्लीकेशन की मदद से, आप भी कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल के फोटो को, चार चांद लगा सकते हो, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। जैसे व्हाइट बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको यूज इमेज फ्रॉम गैलरी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि सपोज ये वाला बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया था, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि ये वाले बैकग्राउंड की यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर व्हाइट यहाँ पे जैसे टिक मार्क आ जाओगे यहाँ पे बैकग्राउंड आपका आ चुका है। और अगर आपको ये फोटो जो आपने इरेज किया था बैकग्राउंड उसे लाना होगा तो यहाँ पे प्लस अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे फिर फ्रॉम गैलरी पे ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फोटो के जो कि गैलरी में से एक फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे DSLR वाला इफेक्ट डालना होगा तो सिंपली आपको फोटो यहाँ पे चिपका नहीं देना है। आपको यहाँ पे DSLR वाले इफेक्ट को लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पे सर्कल का, यहाँ पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे जो कि शेडो या फिर इनर शेडो या फिर आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन बता देता हूँ, शेडो के ऑप्शन पे ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन करोगे फिर आपका जो यहाँ पे देख सकते हो हल्का हल्का यहाँ पे जो आपका फोटो है यहाँ पे आसपास शेडो आ जाएगी। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट कीजिए, या फिर मैं यहाँ पे व्हाइट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट बैकग्राउंड मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फोटो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो अगर आप यहाँ पे इसे बढ़ाना चाहते हो जो कि यहाँ पे बड़ा कम कर सकते हो, जो कि अपनी मर्जी से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। जैसे ही मैंने इतना कर दिया, और अगर आप चाहते हो यहाँ पे इसका जो फिल्टर है, जैसे कि सपोज मैं आपको बता दूँ कलर फिल्टर्स के ऑप्शन पे जाता हूँ, फिर अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन इसकी बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो फोटो बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि आपको यहाँ पे ब्राइटनेस, अगर आपका फोटो यहाँ पे डार्क या फिर कम है तो यहाँ पे बड़ा आसानी से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, और कॉन्ट्रास्ट को भी आप बड़ा कम कर सकते हो, जैसे कि आपके फोटो को यहाँ पे चार चांद लग जाएगा। जैसे इतना कर देते हो फिर अगर आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन, यहाँ पे सेव एस इमेज, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा जो कि सेव टू गैलरी में। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल की गैलरी में यहाँ पे सेव हो जाएगा, जो कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमने फोटो को एडिट किया था वो यहाँ पे देख सकते हो सेव हो चुका। और यहाँ पे जो क्वालिटी आई है वो बहुत ही अमेजिंग से आई है, तो बड़ा आसानी से फोटो एडिटर को यूज कर सकते हो और अपने फोटो को सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। तो ये थी छोटी सी ट्रिक जो कि आपको बताना जरूरी था। और रही बात ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे YouTube के ऑप्शन पे आ जाना है। YouTube के डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएगी, यहाँ से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकती हो। तो आज के दिन बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलेगा। रोजाना मेरे चैनल पे टेक रिलेटेड वीडियोस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।